फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाशरमैन ट्रेड के बारे में। आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो फिजिकल के बाद जब ट्रेड टेस्ट होगा तो उसमें क्या क्या आपसे करवाया जा सकता है और क्या क्या पूछा जा सकता है, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि एक भी जो भी मैं बोलूँ वो आपको समझ में आए, ताकि आप आगे जब ट्रेड टेस्ट हो तो उसमें कुछ तैयारी करके आप जा सकते हैं इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए। तो फर्स्ट में मैं आप नोटिफिकेशन पे आपको लेके चलता हूँ, जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड टेस्ट का यहाँ पे लिस्ट है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ वाशरमैन के बारे में। वाशरमैन में एक्चुअल क्या काम होता है, कौन कौन सा सामान को यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसमें यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉशिंग अप क्लोथ्स, आपका काम रहेगा कपड़ों को साफ करना। साफ़ करने के बाद और सूखने के बाद उन आयरन खाकी वर्दी को आपको आयरन करना है। उसके बाद कॉटन यूनिफॉर्म, जो ठंडा का टाइम ये सूती का जो कपड़ा होता है उसे आपको धोना है वॉशिंग करके। फिर ऊलन कपड़ा और टीसी ऊलन कपड़ा यानी ठंड के समय का जो कपड़ा है उसे आपको वॉश करना है। तो ओवरऑल आपको क्या क्या नॉलेज इकट्ठा करना है इन सब टॉपिक के रिलेटेड। पहला नंबर तो आपको वाशरमैन का मतलब पता चल गया कि वाशरमैन में क्या क्या ट्रेड में पूछा जा सकता है। जैसे कि वाशरमैन में जब कपड़ा यानी कपड़ा जो भी कपड़ा है, सूती का कपड़ा हो या नॉर्मल कपड़ा हो, उसे आप धुलाई करेंगे तो कौन कौन सा पाउडर यूज़ कर सकते हैं, सर्फ यानी हिंदी में सर्फ बोलते हैं उसे, कौन कौन सा सर्फ आप यूज़ करते हैं उस सर्फ का नाम आप इकट्ठा कर लेंगे। जितने भी सर्फ ब्रांडेड है उसके बारे में आप नाम इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आयरन किस तरह किया जाता है, तो आपको प्रैक्टिस करना है कि अपने घर में जो भी आपके पास सूती का कॉटन का आपके पास शॉर्ट हो, पैंट हो, उन सभी को अच्छी तरह से आयरन करना है। और YouTube पे काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएंगे कि कैसे कैसे आयरन को स्केच क्रीच बना के किया जाता है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो आयरन जहाँ पे करता है, जहाँ पे दुकान होता है आयरन करने वाला, कपड़ा को इस्त्री करता है, वहाँ पे जाके आप उनसे सीख सकते हैं कि शॉर्ट को आयरन करने के लिए किस तरह किया जाता है, कि उसे किस भाग में फोल्ड किया जाता है जब आयरन करने के बाद, पैंट को आयरन करने के बाद किस भाग में फोल्ड किया जाता है, कितने भाग में, किस तरह उसे कपड़ा को अरेंज किया जाता है। यानी आयरन करने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि आप करके जैसे तैसे रख दे, उसे हैंगर में भी टांगना पड़ता है, हैन तेन करना पड़ता है। उसके बाद कॉटन यूनिफॉर्म में, जैसे यूनिफॉर्म में आपका उसमें मान लीजिए दाग धब्बा लग गया, आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कोई एक सूती का कपड़ा है उस पर वो यूनिफॉर्म में दाग लग गया, वो दाग को कैसे मिटाएंगे, तो क्या क्या इसका मेथड है, उसे मेथड को आपको अपनाना पड़ेगा। हो सकता है आप नींबू से इसे हटा सकते हैं, अपना अपना मेथड एक होता है कि आप उस दाग को कैसे हटा सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्लू कलर का जो होता है वाइट, कौन सा कपड़ा में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो क्या बोलता है इंक टाइप का नहीं होता है ब्लू कलर का, जो वाइट कपड़ा जैसे गंजी हो गया, शॉर्ट हो गया, नील बोला जाता है, उसे हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। आपसे एक कपड़ा पे आयरन करवा के दिखा जा सकता है, यूनिफॉर्म को किस तरह फोल्ड किया जाता है वो आपको करके दिखा सकता है। ओवरऑल आपके कपड़े से रिलेटेड ही आपसे पूछा जाएगा कैसे वॉश किया जाता है, दाग धब्बों को कैसे मिटाया जा सकता है, कौन सा साबुन यूज़ करेंगे कपड़ा साफ करने में, आयरन करने का, आयरन जो आयरन होता है एक होता है इलेक्ट्रिक पे आयरन चलता है और एक आयरन होता है आपका कोयला वगैरह पे यूज़ होता है, तो अभी तो समय में इलेक्ट्रिक आयरन होता है। तो आयरन होता है तो आयरन में भी एक होता है कि कॉटन कपड़ा पे अगर आयरन करेंगे तो कौन सा नंबर पे, एक नंबरिंग होता है आयरन में आपको दिया हुआ, कितना रेंज में आप आयरन कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका काम वहाँ पे दे सकता है, पूछा जा सकता है कपड़ा से बारे में, सूती का कपड़ा यानी कॉटन का कपड़ा किस तरह आयरन करें, किस तरह धुलाई करेंगे और कौन सा सर्फ यूज़ करेंगे, कौन सा साबुन यूज़ करेंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन, थोड़ा छोटी सी इन्फॉर्मेशन था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह किया जाता है। अगर आपका समझ नहीं है तो मेरे चैनल पे वीडियो भी है पड़ा हुआ वाशरमैन के रिलेटेड, आप उसे देख सकते हैं। आप थंबनेल में मैं उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते, धन्यवाद देखने के लिए।